हेलो दोस्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के घंटे को प्रेस कर दें ताकि समय समय पर आपके पास नए वीडियो आते रहें। थैंक यू। मैं प्रभाकरचारण, भारती बालिकेतन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी ऐप की जानकारी लेके आया हूँ जिसका नाम है कैम स्कैनर। क्योंकि हम सभी को लगभग प्रतिदिन किसी न किसी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाने की आवश्यकता होती है और स्कैनर हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। कई बार उस परिस्थिति में हम सामान्य फ़ोटो ही खींच के भेज देते हैं जो कि साफ़ सुथरी नहीं होती, जिसे हम स्कैन कैसे करें वो हम आपको सिखा दें। आप देख रहे हैं कि मेरे पास कैम स्कैनर ऐप डाउनलोड है जिसे मैं ओपन कर रहा हूँ। आप देखिएगा, ये मैंने ओपन किया है। अब आपको बता दूँ, ओपन करने पर सामने से आपको ब्लैंक दिखेगा। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके और फिर आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। नीचे आपको कैमरे का निशान दिखाई दे रहा है, मैं जिससे दबा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऐप दबाया है और ये एक फ़ोटो मैं ले रहा हूँ। मुझे इस फ़ोटो का ईमेल करना है तो मैं कैसे करूँ आप देखिएगा। मान लीजिए मुझे इतना भाग ही लेना है तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया मेरी आवश्यकता के अनुसार। जितना मुझे चाहिए उतना मैंने मेरी सुविधा अनुसार कर लिया है। और नीचे कोने में नेक्स्ट बटन लिखा हुआ है, मैंने इस नेक्स्ट बटन को दबाया तब ये स्कैन होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे। यदि आप इसको कलर मैजिक में लोगे तो आपको दिखाई देगा, या अन्य किसी भी मोड में आप इसको लेकर जाके देख सकते हैं। आपको जिसमें भी इसको स्कैन करना है आप उसमें ले जाएं। इस समय मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे मैजिक कलर में ले लूं, इसलिए मैंने उसमें लिया है और ये सेव कर लिया है। जैसे सेव किया है ये यहाँ पर स्कैन जो है न्यू डॉक्यूमेंट्स के नाम से आकर सेव हो गया है, जिसमें आज की डेट और आज का समय लिखा हुआ रहता है। अब ये तो हो गया जो हमें फ़ोटो लेनी है उसकी। कई बार हमारे पास कई फ़ोटोग्राफ व्हाट्सएप से आए हुए होते हैं, हमें जिन्हें भी स्कैन करना होता है यानी कि हमारे फ़ोन मेमोरी में जो पहले से डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्कैन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको वो भी बता दूँ। आप फिर से कैमरे में जाएंगे, आप ये देखेंगे कि जहाँ पे कैमरे का नीचे निशान है ग्रीन बटन, उसके लेफ्ट साइड में एक बटन है जिसे मैं दबा रहा हूँ। आप देखिएगा, ये है मेरे मीडिया का। इस मीडिया के अंदर आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो आई हुई है जिसके अंदर मैंने एक को सेलेक्ट कर लिया और ऊपर आ गया इम्पोर्ट, मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया। अब इम्पोर्ट किया तो ये फ़ोटो मेरे पास आ गई है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरी सुविधा के अनुसार कि मुझे कितना लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी पहले से डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है आप उस डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये आपके सामने है, ये जब तक नीचे गोल घेरा घूम रहा है आप उसे वेट करें, उसके बाद में नीचे का जो टिक का बटन है जिसमें सेव लिखा हुआ है उसे दबा दें। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन हो गया है। अब आप उसे भेज भी सकते हैं, ऊपर शेयर का बटन है आप उस पर देखिए और शेयर के बटन को दबाइए। जैसे आप दबाएंगे इसमें आएगा कि आप उसे किस रूप में भेजना चाहते हैं, पीडीएफ के रूप में, इमेज के रूप में, या वर्ड के रूप में, या अन्य डॉक्यूमेंट्स लिंक है इनके जरिए आप किसी भी मेथड से आप भेज सकते हैं। मेरा मन है कि मैं इसे पीडीएफ में भेजूं, इसलिए मैंने पीडीएफ में टच किया। अब ऊपर गया, शेयर करना है, मैंने शेयर में दबाया। मुझे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है या ईमेल करना है? यदि मुझे ईमेल करना है तो बहुत बड़ा आसान काम है, ईमेल में टच करें ऊपर। अब ये ईमेल खुल रहा है मेरा जिसमें ऊपर मेरे ईमेल एड्रेस आ गया है और नीचे मुझे जिसे भेजना है उसका ईमेल एड्रेस आ गया है। डॉक्यूमेंट्स का जो भी कोई नाम लिखना है वो मैंने लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसका नाम लिखा पेपर और ये सेंड का बटन दबा दिया तो ये ईमेल हो गया। इसके अलावा आप इसी को शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो आप शेयर में जाएं, व्हाट्सएप पे जाएं और अब
इसे आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मान लीजिए प्रभाकर चरण को आप भेज रहे हैं तो ये प्रभाकर चरण, ये आपका पीडीएफ चला गया। आप इसे पीडीएफ में भी भेज सकते हैं और नॉर्मल फोटोग्राफ में भी भेज सकते हैं, जिसे जेपीजी इमेज कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके पास समय समय पर अच्छे वीडियो आते रहें। जय हिंद।